भाई लोगो, व्हाट इज अप? तो कैसे हैं आप सब लोग भाई? स्वागत है आपका, वेलकम बैक जी, वेलकम, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जहर गेमर के ऊपर। और भाई आज हम बात करने वाले पबजी बैन वाले टॉपिक पे। भाई सुबह सुबह भाई अभी के अभी शाम को भाई खोलती हुई खबर आई है भाई पबजी की, पबजी हो रहा है बैन। और करो नहीं MBBS JEE वालों, तुम और करो भाई, तुम और करो मोदी के मन की बात को डिसलाइक। बस अब आ गया स्वाद, चकलिए स्वाद, हो गया पबजी बैन, आगे मजे। खैर भाई ये तो थी मजाक की बात, और रियल बात करते भाई, तो इंडिया ने भाई 118 एप्लीकेशन के साथ यहाँ पबजी को भी कर दिया भाई यहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से बैन। और दो चार दिन में भाई सर्वर भी चला जाएगा यहाँ पबजी का, हो सकता है कल तक भी चला जाए। तो क्या है इसके पीछे फॉल्स, मतलब क्या फेक न्यूज़ है और क्या सच्चाई है भाई, पूरी आज हम बताएंगे भाई अपने वीडियो में, अपने जहर गेमर के ऊपर। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना भाई बिल्कुल, और जो नया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एकदम लाइक कर दो, शेयर करो भाई हमारी वीडियो को, लास्ट तक देखो भाई बिल्कुल अपडेट के लिए। तो भाई पबजी बैन के बाद जो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो पबजी की तरफ से निकल के आई है भाई, वो ये है कि पबजी जो है सिर्फ मोबाइल वाला बैन होगा। हाँ भाई, जो मोबाइल और iOS डिवाइस पे पबजी चलता है भाई वही सिर्फ बैन होगा, PC वाला पबजी बैन नहीं होगा। तो PC स्ट्रीमर्स और PC प्लेयर्स भाई अपने पबजी को भाई कर सकते हैं कंटिन्यू। तो भाई ये तो जी पहली खबर जो निकल के आई है पबजी की तरफ से। और भाई दूसरी जो सबसे बड़ी खबर निकल के आती है वो ये है कि भाई पबजी जो है वो एक कोरियन कंपनी, और जो पबजी ने भाई साफ साफ यहाँ पे अपना जो है वो पेश कर दिया अपना रोल भाई, कि अगर पबजी अब इंडिया में बैन हो चुका है तो वो अपनी टेंशन के साथ जो उसकी पार्टनरशिप है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है भाई टेंशन उसका, उसके साथ वो अपनी कोलैबोरेशन हटा के भाई दूसरे के साथ, जैसे ई स्पोर्ट्स हो गया, ई स्पोर्ट्स वगैरह या गेम लूप वगैरह, ये जो है उसके साथ भाई कोलैबोरेशन कर लेगा यहाँ पे अगर पबजी अगर अनबैन नहीं होता है तो राइट चेंज करने के बाद भी। तो भाई ये थी दूसरी सबसे बड़ी खबर कि भाई अगर ऐसा होता है, अगर पबजी बैन हो चुका है खैर, तो आपको महीने भर के अंदर भाई दोबारा पबजी देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि टेंशन के साथ जो अपनी पार्टनरशिप हटा देगा भाई पबजी वाला। तो ये थी भाई यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी खबर। और चलते भाई आगे की तरफ, तो आगे भाई खबर ये भी निकल के आ रही है कि भाई कि अभी पूरा डिसीजन हुआ नहीं है कि भाई जी बैन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पबजी वाले जो है अपने राइट्स वगैरह चेंज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम जो हमारे परमिशन वगैरह मांगते हैं उसमें भाई जो गाइडलाइन इशू कराई है भाई उसमें चेंज कर सकते हैं। तो भाई देखते भाई क्या ही सीन होने वाले हैं। खैर भाई क्या भाई आपका क्या विचार है भाई, पबजी बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई लोगों कि पबजी बैन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हो भी गया तो भाई थोड़े दिन में आ जाएगा, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खैर पबजी बैन होने से सबसे बड़ा फ़ायदा जो होने वाला रिलायंस जियो वाला, क्योंकि रिलायंस जियो वाले ने कहा अगर पबजी बैन होता है तो भाई वो अपना जब जी ले आएंगे भाई मार्केट के अंदर। हाँ भाई जियो अननोन बैटल ग्राउंड, अरे भाई मजाक था भाई, सीरियस मत लेना भाई को। बस भाई यही थी आज की सबसे बड़ी दो खबर पबजी के बारे में, कि अगर बैन होता भी है तो पबजी टेंशन के साथ पार्टनरशिप हटा देगा और PC वाले भाई कंटिन्यू खेल सकते। तो जो भी हमारे भाई मोबाइल पे खेलते वो PC पे भाई शिफ्ट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर भाई तुमको जानना है कि भाई पबजी बैन होने के बाद भी हम पबजी कैसे खेल सकते हैं भाई, तो भाई कमेंट बॉक्स में भाई भर दो भाई, अगर तुम्हें जानना है तो मैं बता दूंगा। अगर इस वीडियो पे भाई 50 लाइक्स हो जाते हैं भाई, 50 लाइक का एम करता हूँ भाई इस वीडियो पे, अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स हो जाते हैं कंप्लीट हमारे, तो भाई मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए एक वीडियो, उसमें मैं बताऊँगा भाई पबजी बैन होने के बाद भी हम पबजी कैसे खेल सकते हैं भाई। तो भाई बस यही था आज की वीडियो में, चलते हैं भाई आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।